अनदर वीडियो शूट, इसको तो कट कर दूंगा मैं, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों आपके प्यारे चैनल के ऊपर। तो आज एक स्टोरी को लेके आया हूँ मैं, जो कि मेरे फ्रेंड की है, जो मेरे को अपने आईटीआई के कोर्स के अंदर मिला था। तो उसकी लाइफ की एक स्टोरी सुना देता हूँ, पूरी लाइफ की एक समरी सुना देता हूँ। मेरे को लगा कि वो आपको सुनानी चाहिए, वो भी एक घर के बड़े लड़के की स्टोरी है। वो दिमाग से तो तेज़ है मगर किस्मत से रेल है, रेल ऐसी जिसमें कोयला भरा है और आग नहीं जल रही। तो उसकी लाइफ कैसे है, जहाँ से मैं जानता हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करके मैं बताता हूँ। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसका नाम मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, ना ही मैं बता सकता। उसकी और मेरी मुलाकात हुई आईटीआई के कोर्स के अंदर, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स बोलते हैं, जिसको ड्राइंग टीचर के लिए बोलते हैं। तो मैं पता नहीं था कि क्या करें क्या नहीं करें ट्वेल्थ के बाद। तो चाचा जी एडमिस थे, चाचा जी का तो बोलने का जी नहीं करता भाई, बस वो कभी बाद में बताएंगे, छोड़ो इस चीज़ को, कहानी पे फोकस करते हैं हम। तो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से सोच रहे थे क्या करें, ट्वेल्थ हो चुकी थी और सोच रहे थे क्या करें। तो मेरे को पता चला उधर ही के एडमिशन हो रहे हैं आईटीआई के, तो आईटीआई में जाके, पास में ही था हॉस्पिटल के, रोहतक में था मैं पीजी में, मतलब पीजीआई में, तो वहाँ पास में जाके मैंने पता किया कैसे चल रहे कैसे नहीं चल रहे। तो मेरे को लगा चलो ड्राइंग टीचर कर लेना चाहिए, तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। ये वो फ्रेंड नहीं है जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, ये वो फ्रेंड है जिसके साथ मैंने एडमिशन लिया। वो मेरे गांव का ही था, मेरा क्लासमेट, मेरा चड़ी बड़ी बोल सकते हैं उसको। तो उसके साथ एडमिशन लिया, तो गए हम कॉलेज के अंदर, तो वहाँ मिले हम, उस दोस्त से भी मिले जो जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ। 6 फुट का टॉल बंदा, और भाई ज़्यादा देखो हेल्दी तो था नहीं, है भी नहीं। और उसकी लाइफ क्या है, वो ट्वेल्थ भी ना उसने नॉन मेडिकल से की थी, और नॉन मेडिकल करके आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, कोई बना नहीं कि यार वो क्यों कर रहा है ये सोच रहा है। मगर उसके पीछे बिहाइंड स्टोरी है क्या कि घर की कंडीशन, उसके पापा जी ड्रिंक करते थे, कितना कमाते थे कितना नहीं, जो आंटी थी वो घर का काम चला रही थी, घर का थोड़ा बहुत वो था, सिलाई करती या कुछ करती, मतलब पहले वाली जो आंटियाँ थी ना वो भाई टाइम निकाल लेती, आज तो बहुत बुरा टाइम आ गया है। तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया वो किया, मगर वही है ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे किसी बड़े कोर्स में या किसी और में। तो उसने लिया एडमिशन, तो वहाँ हमें मिले। मगर भाई उस टाइम जो बंदे की लाइफ थी ना, वो मेरे को लगा नहीं कि वो पढ़ाकू टाइप का है, सच्ची बता रहा हूँ। किया था उसने नॉन मेडिकल, मगर लगा नहीं कि वो सही है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल फुकरों वाला था, फुकरों वाला, अपना अपना देखना, ये चीज़ें तो पहले से थी आज भी हैं, कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये वाला डायलॉग उसके लिए है, मगर पूरा नहीं है मगर है, मोस्ट प्रॉपरली है। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, अगर वो भी सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे फेस पे नहीं बोल पा रहा, और तेरा नेचर मैं जितना जानता हूँ थोड़ा सुधार भाई, क्योंकि उन बंदों के लिए सुधार जो एक्चुअल में तेरा साथ देते हैं। अकेला अपना सोचना भाई, लाइफ में बहुत सोच रहे हैं ठीक है, मगर लाइफ के उस दौर में तू भी आ चुका है, ये हम भी आ चुके हैं, कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा उन बंदों के साथ जो तेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। फेस पे नहीं बोलते तो सामने वाला समझता है कि भाई किसी को पता नहीं, मगर सब पता चल जाता है। तो चलो बैक टू दी स्टोरी। तो वहाँ वो मिला, वहाँ भी हमने क्लासेस वगैरह तो ऐसे ही लगाई, उसने लिया रूम, तो वहाँ रूम पे चले गए, फिर हमारे घर पे गए, मतलब कॉलेज लाइफ जैसी बोलते हैं, तो हमारी वो आईटीआई लाइफ थी।
और उसमें घूमे फिरे, पैसे की प्रॉब्लम उनको भी थी, हमारे घर में भी हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा चलता ही रहता था। तो घर पे आया तो उसने डीजे का काम स्टार्ट कर दिया था, डीजे ऑपरेटिंग का। तो मेरे को भी बोला कि तू भी कर ले। तो घर पे आया तो मेरी मम्मी को भी बोला कि इसको ये भी काम करवा लेते हैं। तो मम्मी एग्री कि भाई 9th क्लास में जिसने वो किया है तो उसके लिए कौन मना करेंगे, और घर का बड़ा लड़का भाई इसको तो परेशान पक्का करना है। तो वो भी किया हमने, जितना पैसा कमा सकते थे कमा लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मम्मी ने नहीं लगा, उस टाइम लगाया, मगर जो स्ट्रगल की स्टोरी वो आगे है उसको छोड़ो, उस पर फोकस करते। तो वो किया काम, तो बीच में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसको झूठ बोल लो या सच बोल लो या कुछ भी बोल लो, उस लाइफ में बहुत खुश थे और उसके साथ एक ऐसी मिस हैपनिंग हुई को उसको अंदर जाना पड़ा। केस क्या था क्या नहीं था तो भाई वही है, एक्सप्लेन करूँगा तो क्या फ़ायदा ही क्या है उसका, क्योंकि अभी वो टाइम जाया भी बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल के बाद वो बाहर आया तो लाइफ वहाँ स्पॉल हो गई। आईटीआई का डिप्लोमा रह गया, फिर बाहर आते ही भाई और एक प्रॉब्लम, एक पहाड़ टूट के पड़ गया उसके सिर पे, आंटी का वो मतलब आंटी स्वर्गवासी हो गए, तो उसके बाद से वो टूट ही गया। टूट गया तो भाई उसमें क्या होता है कि घर में और कोई खाना बनाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो घर में अकेलापन, पापा का आपको बता ही दिया, अंकल का जैसे थे वो। तो फिर उसकी शादी कर दी गई, भी शादी ऐसी जगह हुई भाई झगड़े क्लेश, वो भी बच्ची टाइप का दिमाग था उसका भी, पढ़ी लिखी वो भी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वही क्लेश घर, क्योंकि पीछे से ही पता चलता है क्या है क्या नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं करता वो चीज़ें, बताना भी कोई अच्छी बात नहीं है मतलब लेडीज़ की तरफ की, तो उसको छोड़ो। तो वो झेलते झेलते भाई फिर मैंने स्टार्ट करवाया ऑनलाइन, क्योंकि मेरे स्टार्ट करने से पहले वो कंस्ट्रक्शन में भी घुसा था, तो वहाँ से भी काम नहीं बना, आ गए तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई, और भी काम किया उसने, फिर 2-3 बार जो बेबी हुआ उनका वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब बहुत झेल रहा था, पता नहीं क्यों इतना एक बड़े लड़के के साथ ही झेलना होता रहता है, पता नहीं ऊपर वाले ने कैसी ही हमारी किस्मत लिख रखी है ये लगा लो। तो उसको भी ये प्रॉब्लम झेली, फिर बाद में एक लड़की हुई, फिर और काम का तो पूछो ही मत भाई, काम की परेशानियाँ, घर पे आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर बाहर बनाया तो उसके पैसे उतारने, जो अंदर गया था उसके ही पैसे उतारने, भाई जेल बेल के मेहनत करके बंदे ने निकाल दिया सब, निकाल दिया तो फिर भी आज का टाइम आ गया कुछ नहीं है। अब कुछ दिन पहले हमने उसको भेजा है गुड़गांव पे ओला उबर बाइक चलाने के लिए, तो बोलो यार स्टोरी में कुछ मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं, मैं एक स्ट्रगल की स्टोरी सुना रहा हूँ कि बंदे ने स्ट्रगल ही क्या भाई, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें ये करना है, वो भी एक बिजनेस ही है। बहुत बंदों ने क्या पढ़ते पढ़ते भी बिजनेस बनाए हैं, बहुत बंदों ने क्या है भाई जॉब करते करते ग्रेजुएशन की, फिर वो किया काम किया, फिर कहीं धक्के खा के फिर आगे। KFC को ही ले लो यार, KFC का बताने की ज़रूरत नहीं है कि KFC क्या चीज़ बन चुकी है आज, 60 साल के बाद में उसने वो स्टार्ट किया था, तब तक वो क्यों अटका रहा उसमें, उस जवानी में स्टार्ट कर लेता तो उसकी लाइफ क्या होती। हाँ 60 साल की उम्र में उसके घर वाले भी छोड़ के चले गए थे KFC वाले के, ये तो स्टोरी है ना, सबको पता है, मगर आपको ये नहीं पता वो 60 साल तक उसने बियर क्यों किया। उसने किया इसलिए बियर किया कि भाई फैमिली संभालनी है, फैमिली ये करना है वो करना है, एक लड़के के ऊपर एक मतलब इंसान के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पाता। तो भाई बातें कुछ ऐसी ही है,
हर चीज़ को प्योरिटी दो, मगर लाइफ को भी प्योरिटी दो, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी बहुत बढ़ रही है आज के टाइम पे। मेरे में भी बहुत हो गई थी, मैं इतना पागल हो गया था भाई, मैं क्या करूँगा, मैं बस मतलब समझ जाओ कैसे क्या सोचने लग गया था। अब धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, जो कि मैं कर सकता था, मेरे पास स्किल है, दूसरों से अच्छी स्किल है, मैं कहीं कमा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कम तो कमा ही सकता हूँ ना भाई। हाँ, मगर इतना डिप्रेशन ले लिया था मैंने, पूछो मत। तो लाइफ को बोझ मत बनने दो, घूमो फिरो, यही है एंजाइटी का इलाज, जो अच्छा है। डिप्रेशन पिल्स खाने से एंजाइटी परेशानियाँ नहीं जाएंगी, वो तो कुछ टाइम के लिए तुमको कुछ केमिकल रिलीज करेंगी, बट जो रियल है ना, वो घर से बाहर निकल जाओ, कुछ उल्टा मत सोचो, बस ये बोल रहा हूँ मैं। स्विच ऑफ करके बाहर निकल जाओ। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने ट्राई किया था, टाइम अच्छा था, चलो चीज़ें ठीक हो गई, तो उसको बिठा के मैंने एक ही चीज़ बोली थी, भाई तेरे को कुछ नहीं दिखे ना, ज़्यादा परेशान न जाए, ये सोचे कि कुछ नहीं है लाइफ में, बचा मेरे पास आ जा, वीक मेरे पास रह के जा, जितना भी तेरे को के यहाँ रुकना है, फिर जब तेरे को कंफर्टेबल लगे तो चला जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप हो जाता है। वो भाई वीक मेरे पास रुका, धीरे धीरे उसकी परेशानियाँ गई, अब वो फैमिली अच्छे से संभाल रहा है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से ही संभाल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, वही परेशानियाँ लेता है। तो ये चलता है, काफ़ी लंबा मैंने बना दिया है व्लॉग, बाकी आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।